अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा हम निकल रहे हैं तो ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट करिए, यहीं पे एंड करना है। तो ओप्पो और ऐसे ना कहीं और चले गए। कहाँ चले गए? लिस्मा कहाँ गई है? काऊ की शर्ट में गई है। चले हम, चलो चलो देख के आते हैं कहाँ। तो आज ना भाभी के साथ मैंने सर्दियों के कपड़े निकलवाए हैं और गर्मियों के रख लिए हैं। अपने भी जाके घर पे ऐसा ही करना है कि सर्दियों के कपड़े निकालें और गर्मियों के रखने हैं उनको धूप लगा के। तो भाभी के साथ ये वाली हेल्प की है आज मैंने, ऐसे करती नहीं हूँ बहुत कम, लेकिन आज ये वाली की है। वो करने ही नहीं देते, ये फर्स्ट टाइम किया है ऐसा। अभी थोड़ी सी सफाई करा लेते हैं और फिर निकलते हैं हम भी अपने घर के लिए। हमने भी जाना है घर और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अभी थोड़ी सी सफाई करा लेती हूँ भाभी के साथ। ये ना भाभी मतलब मरियम, मैं उसको भाभी नहीं बोलती, यहाँ पे बोलती हूँ भाभी, लेकिन वो मुझसे छोटी है बहुत, मैं उसको मरियम ही कहती हूँ। मरियम ने लाई थी अम्मी के लिए ये बैलीज, तो मुझे दिखा रहे थे तो मैंने कहा ठीक है अच्छी है मैं ले लूँ। तो अम्मी कहती ये तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें मैं कोई और ले कर दूँगी, फ़िलहाल ये मेरी है, इस पर हक मत जमाओ, इसको हड़पने का मत सोचो। दोपहर का टाइम था और हम काम शाम करके नीचे आ गए थे। सर्दियों में तो नीचे हम धूप में बैठते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में कोई भी बाहर नहीं निकलता है शाम के अलावा। तो यहाँ बच्चे ये तोड़ ले आए थे क्योंकि अंदर ही इनके घर के अंदर ही इनके दो पेड़ हैं और बच्चे खेल रहे थे और इन्होंने तोड़ ले मतलब इन्होंने तोड़ लिए। तो मैं और मरियम बैठे थे, हमने कहा चलो बना लिया जाए। तो ये हमारे यहाँ तो इसको केम्ब कहते हैं, इसको खट्टा मतलब बहुत खट्टी होती है, ये ऑरेंज की फैमिली से है। तो इसको हमने बना लिया था, ये इसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया था। बैठे बैठे यूँ ही मन कर गया, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इसको धूप में बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन जितना मैं बोल रही हूँ इतना खाया नहीं जाता। 3-4 पीसेज या मुश्किल से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पीसेज। तो अभी भी मैं इसको देख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है देख कर। तो खैर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब इतना ज़्यादा हम खा नहीं सकते जितना हमें खाया जा, जितना हम खा सकते हमने उतना ही खाया था। तो ये हमारा दोपहर का एंजॉयमेंट हो गई थी थोड़ी सी। से बस ऐसे ही घूम रहे हैं, कल नहाई थी आज तो बिल्कुल नहीं नहाई। वो जो खाया ना खट्टा था इतना ज़्यादा, आपके लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो केम्ब कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और हमारे बच्चे हैं इधर, तो जी व्यूअर्स फाइनली हम घर आ गए। वहाँ से मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा दुख हो रहा था आते हुए, क्योंकि होता है ना मतलब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मतलब पीछे वाला दिन ऐसा गुजरा है कि आते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन मैं शो नहीं करती कभी भी। मैं अपना जब भी मुझे ऐसा मतलब मैं अम्मी के घर से आती हूँ ना, मैं परेशान होती हूँ, थोड़ा सा दुखी होती हूँ। दुखी मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, बहुत अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, हम अपने घर में ठीक हैं, मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा दुख लग जाता है ना इंसान को जो कि ज़िंदगी भर के लिए रहता है। तो ऐसा एक वारदात, जो वारदात या वाक्य कुछ भी कह लें, वो हमारे साथ हो चुका है। तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब भी मुझे ठीक लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। तो आते हैं दूसरी तरफ, तो दुख नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा हो जाता है ना बंदा इमोशनल कि रह के आए इतने दिन, तो दो दिन एक दिन, तो अब जा रहे हैं। बच्चे भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि मम्मा नहीं जाना है, तो खैर होता रहता है, यही तो ज़िंदगी का हिस्सा है, मतलब यही तो ज़िंदगी है और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आना है जाना है। और लड़कियां तो अपने माँ बाप के घर रह नहीं सकती ना, जब एक बार शादी कर ली तो लड़कियां कहती हैं कि मतलब कहते हैं कि लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं।
तो ये दस्तूर चलता आया है, ये रीति रिवाज, ये परंपरा चलती आई है कि लड़की जब एक बार शादी हो गई तो अपने घर की हो गई वो। अब वो चंद दिन के लिए अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप के घर जाएगी, उसके बाद उसको अपने घर वापस आना ही आना है, ये एक सच है। तो आते हुए ना हमारे साथ अलीज़ा आ गई थी, क्योंकि मैं ही स्कूल आई थी, मैंने कहा चलो आप चलो हमारे साथ। और अलिज़बा सोई हुई थी और वो अब फ़ोन आया, उसका वीडियो कॉल आई है, वो उसका रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, वो वीडियो कॉल पे इतना रो रही है। तो मैं सोच रही थी इसको रखूँगी एक दो दिन, अब जैसा उसका हाल है मुझे लगता नहीं है कि एक दो दिन, मतलब दो दिन रह पाएगी या इसको रहने देंगे, वो फटाफट मेरा भाई आ जाएगा इसको लेने, क्योंकि अलिज़बा का रोना नहीं देखा जा रहा उनसे, बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि दोनों बहनें कभी अलग नहीं रहीं, हमेशा साथ ही रहती है, तो एक हो जाता है ना बच्चों को आदत होती है, जैसे आह दस्त है वो लड़के, खैर लड़कों की मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो फीलिंग्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन आह दस्त भी ऐसे, अगर असद कहीं चला जाए या आहत कहीं चला जाए तो वो भी एक दूसरे के लिए ऐसे परेशान होते हैं। तो अलीज़ा भी परेशान, अलीज़ा तो खुश है, अलीज़ा आहत के साथ खेल रही है। तो फिर अलीज़ा को क्या लिख के दिया, ये डॉल अलीज़ा ने ली है, ये वाली डॉल। और रास्ते में हमारे घर के रास्ते में मेला लगता है ना दिवाली के दिन, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयस है, लेकिन अलीज़ा को ये वाली डॉल पसंद आई थी और अलीज़ा ने ये वाली पसंद कर ली। अब अलीज़ा को मिस कर रहे हो ज़्यादा कि कम? कम मिस कर रहे हो क्योंकि आहत के साथ खेल रही है इसलिए कम मिस कर रही है ना। चलो ठीक है, ये लो अपनी डॉल और आप आहत के साथ खेलो, फिर डिनर करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा खेल लेना और ठीक है। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत बहुत प्यारी लगती है मुझे, मतलब सबको बहुत अच्छी है, और मुझे भी थोड़ा सा ना इमोशनल हो रही हो, तो मुझे लगता है मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी अभी। तो खैर जितना बन गया है, जितना ये मैंने बना लिया, बबल्स आ रही हैं, आ रही हूँ मैं, तो जितना मेरे से ब्लॉग बन पाएगा, मतलब जितना मैंने बना दिया, अब मुझे लगता है इससे आगे मैं नहीं बना पाऊँगी। और आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और कल फ्रेश होके। मैंने सोचा बाहर पता नहीं कौन आ गया, फ्रेश होके और थोड़ा सा दिमाग जो है रेस्ट पे जाएगा और फिर दूसरे दिन उठेंगे और अपनी लाइफ को, लाइफ क्या, अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को दोबारा से स्टार्ट करेंगे कल से, और फिर एक वीडियो बनाएंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि आज का दिन कैसा है और कल का कैसा था। इमोशनल तो हर कोई होता है, लेकिन खैर उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाता इंसान। तो चले आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, यहीं तक था एक आज का ब्लॉग, यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।